उत्तर प्रदेश के संभल जिले के विकास खंड असमोली में प्रभारी एडीओ पंचायत की तैनाती को लेकर विरोध शुरू हो गया है। ग्राम विकास अधिकारियों ने ब्लॉक परिसर में धरने के दौरान जमकर नारेबाजी की, फिर खंड विकास अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर प्रभारी एडीओ पंचायत को वापस कराने की मांग उठाई। विकास खंड असमोली क्षेत्र में तैनात ग्राम पंचायत अधिकारियों और ग्राम विकास अधिकारियों ने ब्लॉक प्रणांग में धरना दिया, जिसके बाद खंड विकास अधिकारी शिखर श्रीवास्तव को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें कहा कि प्रभारी एडीओ पंचायत गुरदयाल सिंह की तैनाती इस विकास खंड में की जा रही है। इसकी तैनाती से ग्राम प्रधान और कर्मचारी सहमत नहीं है। पूर्व में जहां भी इनकी तैनाती रही वहां पद का दुरुपयोग किया गया है, जिससे त्रस्त होकर प्रधानों और कर्मचारियों ने विरोध किया है। कर्मचारियों का आरोप है कि प्रभारी एडीओ पंचायत गुरदयाल सिंह पर पूर्व में भी जिले में भ्रष्टाचार के कई गंभीर आरोप लग चुके हैं। किस बात को लेकर यहाँ पर आप बैठे हुए हैं? हम बैठे हुए हैं, गुरदयाल सिंह है ना, ज़्यादातर ब्लैकमेल हमें लोग करते हैं। अगर हम कहते हैं सीधे 15% नहीं दोगे तो कार्य नहीं करोगे। 15% मांगते हैं कमीशन। अच्छा, और नहीं दोगे तो नोटिस जारी कर देंगे, आपको कार्य नहीं कर दूंगा। और बाहर से कर्मचारी बुला के बैठा देते हैं यहाँ पे, बाहर के आदमी का क्या मतलब उनके साथ में आने का। यहाँ पर जो हमारे ब्लॉक के कर्मचारी हैं वो बहुत बढ़िया हमारे साथ में यहाँ पे अच्छा काम करवा रहे हैं, और जब से लेके हारून जी आए हैं हमारे ब्लॉक ने विकास बहुत किया। तो उनका विरोध कर रहे हैं आप? हाँ जी, तब तक विरोध रहेगा जब तक वो नहीं हटेंगे यहाँ से, चाहे हमें अपनी आत्महत्या करनी पड़ जाए। मेरा नाम जिशान अहमद है और मैं प्रधानपति हूँ मंसूरपुर माफी का। देखिए सर, मैं जैसा कि हमारे विकास खंड असमोली के अंदर ये हमारे ग्राम प्रधान और सचिव लोग धरने पर बैठे हुए हैं, जिलाधिकारी महोदय से मेरा ये मेरा अनुरोध है और उनसे विनम्र निवेदन मेरा ये है कि जैसा कि यहाँ पर रिपोस्टिंग श्री गुरुदयाल सिंह की गई है, जो एडीओ प्रभारी हैं वो विकास खंड असमोली में, वो पहले भी यहाँ पर तैनात रहे हैं और उन पर प्रधानों से, सेक्रेटरियों से और अधिकतर प्रधानों से वो ज़बरदस्ती अवैध वसूली करने का प्रयास करते थे और उन्होंने प्रयास किया है और अवैध वसूली भी प्रधानों से की है। तो यहाँ पर जितने प्रधान हैं, सेक्रेटरी हैं विकास खंड असमोली में, उनका भय प्रधानों के अंदर बना हुआ है और सभी प्रधान और सचिव और खासकर पूरा स्टाफ विकास खंड असमोली का वो चाहता है कि उनकी यहाँ पर रिपोस्टिंग ना की जाए। और मेरा सभी प्रधानों की तरफ से और सचिव साहब की तरफ से ये अनुरोध जिलाधिकारी महोदय से है कि वो हमारा अनुरोध और ये हमारी अपील मानते हुए वो उनको यहाँ रिपोस्टिंग ना करें। और जो यहाँ पर वर्तमान में श्री हारून अली जो यहाँ पर मौजूद हैं, एडीओ पंचायत जो हैं, उनको यहाँ पर रहने दिया जाए और हमारी इस अपील को स्वीकार किया जाए। क्योंकि अगर मान लीजिए कोई प्यासा भी पानी मांगता है, अगर यहाँ हमारी अपील नहीं स्वीकार की जाएगी तो हम यहाँ से लखनऊ तक अपना धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे। ये बताइए, मेरा नाम शकील अहमद, किस गांव के? अशरफपुर के ग्राम प्रधान। अच्छा, यहाँ पर जो आपके पूरे कर्मचारी के साथ में आप बैठे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या बात है, किस बात को लेकर कर रहे हैं? मैं इसलिए यहाँ आया हूँ कि आपसे पूर्व में ये गुरुदयाल जी एडीओ पंचायत इस ब्लॉक में रहे थे, उन्होंने सब प्रधानों का और कर्मचारियों का यहाँ आनकर शोषण करा था। अब मुझे पता लगा कि दोबारा वो ब्लॉक आ रहे हैं, मैं उनके विरोध में यहाँ कार्यालय आया हूँ। किस तरीके का शोषण करते थे, क्या मामला? शोषण करते हैं वो, ऐसे में रिश्वत लेते हैं, रिश्वत मांगते हैं। कौन देता है रिश्वत? रिश्वत तो आयुष में मजबूरी में देते हैं वो, आपने कहते हैं कि आई सेंज में कि मैं तुम्हें फंसवा दूंगा, आपने दिए गमन कर वो करवा दूंगा। आपने एक बार रिश्वत दी उनको? हम उससे भी मांगी थी रिश्वत, तो दी आपने? हाँ दी ही मैंने। तो रिश्वत देना और लेना दोनों ही अपराध है, तो आप भी अपराधी? मजबूरी थी, जेल भेज रहे थे, कह रहे थे जेल भेजूंगा। कितने रुपए लिए आपसे? मुझसे लिए 20,000 रुपए गुरदयाल जी ने। जी, कितने लोगों से यहाँ ब्लॉक में पैसे लिए होंगे? मैं तो बहुत कुछ सुन चुका हूँ आई सेंज में, दर्जनों ग्राम प्रधानों को दिख कर आए इसमें 200 को और पैसे लिए, एक एक लाख रुपए भी लिए। क्या चाह रहे हो आप? हम ये चाहते हैं कि वो हमारे ब्लॉक में नहीं आने चाहिए यहाँ पर, हाँ, क्योंकि यहाँ का विकास कार्य रुक जाएगा उनके आने से। जेबीडी बैंक्वेट्स लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन और जेबीडी बैंक्वेट्स एंटरप्राइज। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।